हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। फ्रेंड्स, आज किसी वीडियो में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए, हरियाणा पुलिस में एक तिहाई पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। महिलाओं के पद भी 37% खाली हैं। गवर्नमेंट यहां पर पूरा बजट भी खर्च नहीं कर पाती पुलिस के ऊपर। तो विधानसभा में पुलिस विभाग के अधिकारियों ने जताई मजबूरी, बजट भी 600 करोड़ रुपये कम खर्च कर पाया विभाग। तो देखिए, हरियाणा पुलिस के अंदर मेल और फीमेल कांस्टेबल की बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। तो उसमें SI की आ गई या फिर कांस्टेबल की आ गई, तो टोटल मिलाकर बहुत सारी वैकेंसी हैं जो हरियाणा पुलिस के अंदर खाली पड़ी हुई हैं। तो इसमें देखिए, जो बजट है सरकार उसको भी पूरा खर्च नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट की कमी है। तो देखिए, क्या कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर। तो इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक कुल 75,186 पद स्वीकृत हरियाणा पुलिस के अंदर हैं, और उनमें से 25,318 पोस्ट अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। तो पुलिस विभाग ने जानकारी दी कि पुलिस में पुरुष सिपाही से इंस्पेक्टर तक के 67,174 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 44,755 पद लगे हुए हैं और 22,409 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसी तरह महिला सिपाही से इंस्पेक्टर तक के 79,242 पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें से 5,053 तैनात हैं और 2,889 पद खाली पड़े हुए हैं। इस तरह सिपाही से इंस्पेक्टर तक के कुल 75,186 स्वीकृत पदों में से 49,809 तो भरे हुए हैं और 25,318 खाली हैं। लगभग 33% मुलाजिमों की हरियाणा पुलिस के अंदर कमी बनी हुई है। तो देखिए, हरियाणा पुलिस के अंदर बहुत सारी वैकेंसी हैं जो आगे आ सकती हैं और रिक्त पड़ी हुई हैं, खाली हैं। तो 25,000 के समथिंग वैकेंसी हैं जो आपकी खाली पड़ी हुई हैं हरियाणा पुलिस के अंदर। तो जल्द ही आप जो नई वैकेंसी होगी तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी भी जल्द ही पूरी की जाएगी CET के माध्यम से। तो इसमें देखिए, खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा है अभी तो हरियाणा पुलिस का। तो बहुत सारी वैकेंसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं हरियाणा पुलिस के अंदर। तो फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप सबसे शेयर करनी थी। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।